Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study a patriotic story about a girl named Kalibai. Kids, you have heard many stories related to patriotism, and our today's story, that is a Guru Bhakt girl Kalibai, is related to this patriotism. So let's start our story. ये जो स्टोरी है एक ऐसी गर्ल की स्टोरी है जो गुरु भक्त होती है, मीन्स गुरु की भक्त. गुरु मीन्स टीचर. तो वो अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करती है. वो इतनी अपने टीचर की रेस्पेक्ट करती है कि जब उसे पता चलता है कि उसके टीचर की लाइफ जो है वो खतरे में है, तो उनकी लाइफ सेव करने के लिए वो खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है. तो आइए देखते हैं अपनी स्टोरी. कालेबाई वॉज अ भील टीनेज्ड गर्ल. कालेबाई एक भील गर्ल थी, मीन्स वो एक ट्राइबल कास्ट की गर्ल थी जो टीनेज थी, मीन्स यंग गर्ल थी. शी लिव्ड एट राष्ट्रपाल विलेज ऑफ डूंगरपुर. वो रहती थी डूंगरपुर का एक विलेज था राष्ट्रपाल वहां, और ये कहानी है 1940s की. इन दोज डेज राजस्थान वाज मोस्टली अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट. उन दिनों में राजस्थान का ज्यादातर भाग प्रिंसली स्टेट के अंडर में था, और वो प्रिंसली स्टेट लॉयल थे ब्रिटिश के, मींस ब्रिटिशर्स के प्रति वो वफादार थे. व्हेन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन 8 अगस्त 1942. जब 8 अगस्त 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया गया था, द पीपल केम आउट इन एन ओपन अपोजिशन. उस समय लोग कॉलोनियल रूल के अपोजिशन में सामने आ गए थे, मींस लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध किया था कॉलोनियल रूल का. सोशल एक्टिविस्ट इन डूंगरपुर वर इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन लीडर ठक्कर बप्पा हु एस्टेब्लिश्ड द डूंगरपुर सेवक संघ. सोशल एक्टिविस्ट मींस सोशल सोशल वेलफेयर जो काम करने वाले हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट थे डूंगरपुर में, वो इंस्पायर्ड थे गांधीयन लीडर थे ठक्कर बप्पा, उनसे बहुत ही प्रभावित थे. हु एस्टेब्लिश जिन्होंने स्थापित किया था डूंगरपुर सेवक संघ, उन्होंने स्थापित किया था. द सेवक संघ यूज टू रन स्कूल्स. अब ये जो सेवक संघ स्थापित किया हुआ था, ये सेवक संघ स्कूल चलाता था किसके लिए, दलित और ट्राइबल्स के लिए डिस्ट्रिक्ट में, मींस जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, उनके लिए एक स्कूल चलाते थे अपने डिस्ट्रिक्ट में. दे टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियटिज्म एंड ब्रेवरी. तो स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को पैट्रियटिज्म के बारे में, मींस देशभक्ति के बारे में और ब्रेवरी के बारे में सिखाते थे. द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप द सेवक संघ फ्रॉम रनिंग दिस स्कूल. जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि डूंगरपुर विलेज के अंदर सेवक संघ के द्वारा ऐसा कोई स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें देशभक्ति बहादुरी की शिक्षाएं बच्चों को दी जाती है, तो उन्होंने फोर्स किया था प्रिंस को, मीन्स राजकुमार को डूंगरपुर के, कि वो स्टॉप करें, रोक दे सेवक संघ की उन स्कूल्स को. एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्रजा मंडल वॉज फॉर्म्ड. और का परिणाम ये हुआ कि एक संस्था जिसका नाम था प्रजा मंडल, वो बनाई गई थी टू कंडक्ट अ कैंपेन अगेंस्ट द अनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल. उन्होंने एक कैंपेन चलाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि वो विरोध कर सके स्कूल को बंद कराने के लिए, ये जो अनजस्टफुल काम हो रहा है उसको रोकने के लिए. और उनकी डिमांड थी कि जो कॉलोनियल रूल है उसका एंड होना चाहिए, उसका अब अंत हो जाना चाहिए. द प्रिंस टुक अ क्रूएल एक्शन. लेकिन जो प्रिंस था वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल था, तो उसने क्रूएल एक्शन लिया था. उसने क्या किया, बीटिंग द वर्कर्स ऑफ प्रजा मंडल. उसने प्रजा मंडल के जो वर्कर थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया एंड सेंडिंग देम टू जेल, और उनको जेल भेज दिया. दिस इंटेंसिफाइड पीपल्स प्रोटेस्ट. और इस तरह से ये जो एक्ट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से लोगों का जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध था, उसने और ज्यादा बड़ा रूप ले लिया. अब ज्यादा लोग विरोध करने लग गए. द स्टेट पुलिस वेंट टू राष्ट्रपाल विलेज ऑन 19 जून 1947.
पुलिस राष्ट्रपाल विलेज जाती है 19 जून 1947 को टू क्लोज द स्कूल, स्कूल को बंद करने के लिए विच वॉज रनिंग इन द हाउस ऑफ नाना भाई खान, जो स्कूल नाना भाई खान के घर में चल रही थी उस स्कूल को बंद करने के लिए पुलिस जाती है। नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, नाना भाई मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि वो स्कूल बंद नहीं करेंगे। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, तो जैसे ही नाना भाई मना करते हैं पुलिस स्टार्ट कर देती है बीट करना, माना नाना भाई को सेवरली मीन्स बुरी तरह उनको पीटना स्टार्ट कर देती है। ही फेल अनकॉन्सियस, और उस तरह इतना मारा नाना भाई को पुलिस ने कि वो अनकॉन्सियस हो गए थे, बेहोश हो गए थे। दे टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग हिम, वो नाना भाई को अपने साथ ले जाते हैं जेल में डालने के लिए। हाउ एवर नाना भाई डाइड इन हिज इंजरीज, और फिर नाना भाई इन इंजरीज की वजह से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है, ब्लड बहता है उनका, तो वो उनकी वहां पर डेथ हो जाती है रास्ते में ही, जब पुलिस अपने कैंप में पहुंचती है उससे पहले ही। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर सेंगा भाई भील, उसके बाद में पुलिस मारना शुरू करती है टीचर सेंगा भाई को, हु हैड कंटिन्यू टू टीच द चिल्ड्रन डेस्पाइट नाना भाई डेथ, जो कि कंटिन्यू रखते हैं बच्चों को पढ़ाना, शिक्षाएं देना। नाना भाई की डेथ के बावजूद भी वो पुलिस से घबराते नहीं है और उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट रखते हैं वो, तो पुलिस उनको भी बीट करना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर बीटिंग सेंगा भाई द पुलिस टाइड हिम टू देयर ट्रक, सेंगा भाई को मारने के बाद में पुलिस उनको बांध देती है अपने ट्रक के पीछे। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड, वो सेंगा भाई को लेकर जाते हैं अपने साथ ड्रैगिंग ऑन द रोड, रोड पे घसीटते हुए। अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल नेम्ड कालीबाई, स्कूल की ही एक स्टूडेंट जिसका नाम था कालीबाई, कुड नॉट सी दिस, वो ये सब नहीं देख पा रही थी। सी रैन टुवार्ड्स द ट्रक विद अ सिकल, वो ट्रक की तरफ दौड़ती है अपने हैंड में सिकल लेके। सिकल एक टूल होता है, शार्प टूल होता है, जिससे जो क्रॉप्स वगैरह है वो कट की जाती है, तो वो लेकर दौड़ती है टू कट द रॉप्स एंड फ्री सेंगा भाई, ताकि उससे वो रस्सियां काट सके और सेंगा भाई को फ्री कर सके। द पुलिस वॉन्ड हर नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल, पुलिस वॉर्न करती है कालीबाई को, चेतावनी देती है कि उनके पीछे नहीं दौड़े, बट शी डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन कालीबाई उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। शी रीच्ड हर टीचर, वो अपने टीचर के पास पहुंचती है एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल, और वो उस रोप को एक ही झटके में, एक ही सिंगल स्ट्रोक में अपने सिकल से काट देती है। द पुलिस बिकेम एंग्री, और ये देखकर पुलिस बहुत गुस्सा होती है एट दिस एंड एज काली भाई बैंड डाउन टू फ्री सेंगा भाई, और काली भाई को सेंगा भाई को फ्री कराने की पनिशमेंट भी देती है। दे शूट हर इन द बैक, बदले में वो उनको शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं। काली भाई फेल डाउन अनकॉन्सियस, काली भाई बेहोश हो जाती है एंड डाई, उसके बाद में काली भाई की डेथ हो जाती है। दिस अनजस्ट मर्डर ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर ट्राइंग टू सेव हर टीचर मेड द बिल्स एंग्री, ये जो अनजस्ट मर्डर हुआ, अन्यायपूर्ण तरीके से मर्डर हुआ था एक गर्ल स्टूडेंट का स्कूल की, फॉर जो कि क्या कर रही थी, उसकी सिर्फ गलती ये थी कि वो कोशिश कर रही थी सेव करने की, अपने टीचर की लाइफ सेव करने की, इस वजह से उसको मार दिया जाता है। तो ये जो इंसिडेंट होता है इससे भील्स जो है वो बहुत एंग्री हो जाते हैं। दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज, आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, अ मैसिव 12,000 पीपल फुली आर्म्ड, और एक बहुत बड़ा झुंड 12,000 लोगों का इकट्ठे होते हैं जो फुली आर्म्ड होते हैं, मीन्स उनके पास पूरे हथियार होते हैं, उनके पास बोज, एरोज, स्वॉर्ड और उनके ट्रेडिशनल ड्रम होते हैं, गैदर इन द टाउन, और वो टाउन में इकट्ठे होते हैं। द प्रिंस वाज फोर्स टू रिलीज द लीडर ऑफ द प्रजा मंडल फ्रॉम जेल, वो सब इकट्ठे होके प्रिंस को फोर्स करते हैं कि उनका जो लीडर है प्रजामंडल का, उसको जेल से रिहा किया जाए। द पीपल ऑफ द विलेज कंस्ट्रक्टेड अ स्टेचू ऑफ द ब्रेव 13-year-old गर्ल कालीबाई इन राष्ट्रपाल, जो पीपल है विलेज के वो कंस्ट्रक्ट कराते हैं एक स्टेचू उस ब्रेव गर्ल जो कि 13 ईयर ओल्ड होती है कालीबाई, उसका राष्ट्रपाल विलेज के अंदर एक स्टेचू
बनवाते हैं। स्टूडेंट, आपने इस कहानी से देखा कि किस तरह से उस बहादुर गर्ल ने अपने टीचर की लाइफ सेव करी थी। तो स्टूडेंट, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़े। जहां कहीं भी हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक आवाज के पीछे दूसरे लोगों को हम मोटिवेट करते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है और वो हमारा साथ जरूर देंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।